घर में पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता, तो हम दो तीन रोटी की मांग करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये हैं हम प्रमुख जीतनराम मांझी, जो एनडीए के सहयोगी हैं। इस वीडियो में मांझी साहब कह रहे हैं कि हम दो मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता, इसलिए दो रोटी की मांग कर रहे हैं। घर में पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता, तो हम दो तीन रोटी की मांग करेंगे। कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं, हम देहात में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं गरीबों के बीच में, तो हम मकान बनाना भी जानते हैं, हम पानी पिलाने के लिए चापाकल गाड़ना भी जानते हैं, हम रोड बनाना भी जानते हैं, हम पुल भी बनाना जानते हैं। ये सारे विभाग ऐसे हैं जो गरीब से संबंधित है और हम गरीब की राजनीति करते हैं, तो इसलिए हम अपने नेता के सामने एक मांग रखी है और ये देना न देना उन पर है। जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि दो रोटी की मांग कर मांझी क्या इशारा करना चाह रहे हैं। मांझी का ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मांझी के इस छलकते हुए दर्द पर एक शायरी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठ रही है। ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। जी हाँ, मांझी साहब अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए ये भी कह रहे हैं कि जब मैं महागठबंधन से सीएम का पद ठुकरा चुका हूँ, तो फिर दो मंत्री पद न मिल पाना हमारे साथ अन्याय होगा। अब देखना यह होगा कि मांझी के साथ एनडीए का शीर्ष नेतृत्व न्याय कब करते हैं, और अगर न्याय नहीं होता है इनके साथ तो क्या एक बार फिर मांझी बिहार में खेला कर सकते हैं। मांझी के लगातार बयानबाजी के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मांझी एनडीए से नाराज होकर महागठबंधन का दामन तो नहीं थामने वाले हैं। लिहाजा अगर ऐसा होता है तो बिहार में बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका होगा। मांझी के लगातार बयान से ये तो समझ में आ रहा है कि वो खुलकर बीजेपी से पंगा नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन दबी जुबान ही सही, मांझी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं बीजेपी को आंख दिखाने का काम भी कर रहे हैं। वहीं जब हमसे दो मंत्री की मांग पर जीतनराम मांझी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमेशा मैं एक ही विभाग देखता रहूं ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जानबूझकर हमारे समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन हम नीतीश जी और एनडीए के साथ हैं और रहेंगे, फ्लोर टेस्ट में हम डटकर एनडीए का साथ देंगे। तो स्पष्ट लगता है कि क्या नेता जानबूझ करके हमारे समाज को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं क्या, तो ये सारी बातें मन में आती है, लेकिन ये कोई रंजिश नहीं है, इसके चलते कोई समर्थन देने और लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम नीतीश जी के साथ एनडीए के साथ हैं और रहेंगे, और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें डट करके हम लोग एनडीए को साथ देंगे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आज 6 फरवरी है, महज 6 दिन बाद यानी 12 फरवरी को नीतीश सरकार का विधानसभा में बहुमत परीक्षण होना है, लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले ही बिहार के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में बगावती सुर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर बिहार में खेला तो नहीं होने वाला है, क्या इस बार जीतनराम मांझी एनडीए से पलटी तो नहीं मारने वाले हैं। बता दें कि मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं। तमाम सियासी उठापटक के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर पाएंगे या नहीं। अगर बिहार में इस बार खेला होता है तो अंतर सिर्फ इतना होगा कि पहले नीतीश बाबू ने खेला किया था और अब हम प्रमुख मांझी की बारी है। दरअसल 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, ऐसे में अब सबकी निगाहें जाकर बिहार पर टिक गई हैं। बिहार विधानसभा की अंक गणित को समझा जाए तो बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। एनडी के पास 128 विधायकों का समर्थन है, वहीं विपक्ष के पास 114 विधायकों का समर्थन है।
इससे पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने यह कहकर चौंका दिया कि बहुमत परीक्षण में कुछ भी हो सकता है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि खेला भी बाकी है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि मांझी एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल बिहार की सियासत के पुराने दिग्गज लालू यादव भी इन दिनों एक्टिव मोड में हैं और आरजेडी की ओर से जोड़ तोड़ की कोशिशें तेज हो गई हैं। आरजेडी हर वो दांव आजमा रही है जिससे नीतीश के साथ छोड़ने के बाद भी सत्ता में वापसी की जा सके और तेजस्वी यादव की ताजपोशी का रास्ता साफ हो जाए। लिहाजा अब देखना ये होगा कि लालू जो बिहार की राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं उनका दांव पेच काम करता है या फिर नीतीश कुमार और एनडीए भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।